मैंने बताया कई जगह की हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और उतार के उसकी जूती बनाना भी जानते हैं और जूती सर पे मारना भी जानते हैं। तो हमें ज्यादा भड़काओ उड़काओ मत। जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं, रोज वीडियो वीडियो चलती रहती है। देखिए ईमानदारी से जो बात कर रहा हूँ ये बड़ी जरूरी है युवाओं के लिए। जब आप मिशन के लिए काम करते हैं ना तो दूसरे लोग काम करते हैं तो पूरे समाज के नेता होते हैं, आप काम करते हैं तो अपनी कौम के नेता होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम नेता भी नहीं, हम तो फकीर है, सिपाही है बाबा साहब के मिशन के, हम साहब काशीराम के मिशन के सिपाही हैं। लेकिन तैयार रहना, जैसे मेरे भाई पे अगर ये आगे निकल के आता ना तो झूठे मुकदमे कराते हैं, दिखाते कि ये चरित्रवान नहीं है, ये इसका चरित्र क्योंकि ये दलित है ये चरित्रवान नहीं है। तो मैं उन्हें बता दूं कि तुम्हारी कोई ताकत, तुम्हारे कोई भी झूठे इरादे हमें रोक नहीं सकते। अपने इच्छाओं को, अपने जो ये गलत सोच है, जो संकुचित मानसिकता से कब्जे में रखो। अब बहुजन समाज एक हो रहा है और ये जो मेरे दो कंधे हैं ना दिल्ली के, तुम हिम्मत से एक हो जाओ, 2020 में तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा, गिफ्ट कर दूंगा ईमानदारी से। तुम एक हो जाओ 2020 जो मैं जिस थाली में तुम कहो, मैं आज यहां से वादा कर रहा हूं, मैं बिल्कुल तय कर दूं कि भीम आर्मी एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें जाति नहीं है, जहां जो व्यक्ति काम करेगा नेतृत्व करेगा। और हमारा प्रयास हमने लागू किया है कि हम नेतृत्व देंगे। हमेशा से दलित समाज के सभी वर्ग उपेक्षा का शिकार रहे, अब हम उन्हें नेतृत्व देंगे, उनके मुद्दों पर काम करेंगे। मैंने दिल्ली से, जब राजेंद्र गौतम यहां दिल्ली से गए थे ना, आपके प्रभारी, आपके कैबिनेट मिनिस्टर है सर राजेंद्र गौतम, आम आदमी पार्टी को घर गए, तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, आप भाई हो मेरे समाज के नाते, लेकिन अगर दिल्ली में मेरे किसी भाई को अब गटर में उतारा गया बिना मशीनरी के, तो दिल्ली बंद कर दूंगा और तुम्हारी जो सरकार है ना उनके जितने मंत्री हैं, जितने मुख्यमंत्री, सबके गेट बंद कर दो, घर के बाहर आकर बैठ जाऊंगा। और अगर मैं आया तो तुम याद रखना कि फिर तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी। अगर बिल्कुल भी ना इंसाफी करोगे, बिल्कुल भी, मैं मंच के माध्यम से कहता हूं, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, अगर आज के बाद हमारे लोगों पे अत्याचार होगा या आज के बाद हमारी बहनों की तरफ गलत निगाह में देखा जाएगा, तो वो हाथ काटने में हम लोग परहेज नहीं करेंगे। बात अच्छी तरह जान लेना, हम संविधान को मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, हमारे बाप ने लिखा है, हमारे डीएनए में संविधान, लेकिन हम कायर भी नहीं है। अगर हमारे, हम प्रेम करते हैं ना, अगर हमारे प्रेम का दुरुपयोग करोगे, नाजायज फायदा उठाओगे, तो हमें कोई परहेज नहीं है, समझ रहे हो। मैं यहां इसलिए कह रहा हूं, मुझे भैया मने कर रहे थे कि मत कहना मीडिया उछालेगी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि उछाल के लिख दो कि चंद्रशेखर ने जवान दिए, अगर कौम पे कहीं भी अत्याचार होगा तो चंद्रशेखर भीम आर्मी को रोकना मुश्किल होगा तुम्हें। तुमने आज तक वो देखे होंगे जो सत्ता के चक्कर में, जो विधायक और एमपी बनने के चक्कर में दूसरे तलवे चाटते हैं। अरे बहुत सारे विधायक एमपी हमने देखे, कौम के लोग उनकी, उनका इंतजार करते हैं, वो आते भी तो बराबर से गुजर जाते। कौम के लोग तो कौम के शेरों का इंतजार करते हैं, उनका इंतजार करते हैं जिनसे प्यार करते हैं। बताओ आज इस मंच के माध्यम प्यार करते हो या नहीं करते हो? तो क्या इतने कमजोर है हम कि हम दिल्ली 2020 में तुम्हें दे नहीं सकते? हाँ, भाई ने एक बात कह दी, याद आ गई मेरे, कि मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, छीनना पड़ता है। और ये तो वो कौम है जिन्होंने पहले भी साबित किया है कि हम अधिकार इस बार छीन के लेंगे। नहीं, वो ज्यादा घातक हो जाएगा। देखियो, बिल्कुल पूरी भीम आर्मी के लिए एक बात है कि मुझ पे उंगली उठाने वालों कान खोल कर सुन लो, यहां बुद्ध भी है और युद्ध भी है, जो मानवा चुन लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, जिस तरह से तुम चाहते हो। हम समता चाहते हैं, समानता चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, लेकिन कायर नहीं है अगर किसी को भरम हो। हम जेल भी काट लेंगे, मुकदमे भी झेल लेंगे, हम फांसी भी चढ़ जाएंगे। आज भगत सिंह की शहादत के दिवस पे, आज नहीं, आज भगत सिंह के जन्मदिन के दिवस पे आपका भाई ये वादा करता है कि पूरी ईमानदार से, ना कोई जाति ना बिरादरी, अगर कौम के लोगों पर अत्याचार होगा और उसकी जो भी सजा होगी वो सजा तैयार है मुकदमे के लिए चंद्रशेखर, चाहे कोई सजा पड़ जाए। अगर कौम के लोगों पर अत्याचार होगा तो जवाब दूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से, याद रखना इस बात को। पूरी दिल्ली को कह रहा हूं, पूरी दिल्ली से पूरी देश चलता है,
अगर कहीं भी पूरे देश में जो अत्याचार करेगा वो चैन की नींद सो नहीं पाएगा अगर हम पहुंचने में देर हुई हमें। वो इलाज करेंगे कि तुम्हारी नस्लें भी याद करेंगी। हमें ज्यादा परेशान ना करो, हमें दोबारा आऊंगा, तबीयत थोड़ी सी खराब है और बड़ी हिम्मत से तुम्हारे बीच पहुंचा क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर नहीं जाऊंगा तो हिमांशु कहेगा कि भैया आए नहीं। तो हिमांशु की बात के लिए, क्योंकि मैंने इसे जबान दी थी, मैंने इसे बताया था अगर मैंने जबान दी तो जान दी, अगर मैं इसने इसे वादा कर लेता आऊंगा तो आ गया हूं। और एक वादा करता हूं कि आज के बाद अगर मेरे किसी भी भाई पे जो नारा भी बताया था ना कि गली गली से आई आवाज जय वाल्मीकि जय रविदास, जय वाल्मीकि जय रविदास, इस नारे को रट लो। मैं इस एकता को टूटने नहीं दूंगा किसी भी सूरत में। हमेशा से तोड़ के रखा तुम लोगों ने और फायदा उठाया हमारा। अब की बार मैं नारा रिपीट करूंगा तो प्रत्येक आदमी के मुंह से आना चाहिए, गली गली से आई आवाज, गली गली से आई आवाज, वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। अपने हौसलों को मजबूत कर लो। ये आखिरी लाइन सिर्फ युवाओं के लिए, अब किसी माता बहनों को कुछ नहीं कहूंगा। अगर सम्मान चाहते हो ना, सम्मान चाहते हो नहीं चाहते, जरा कितने लोग चाहते हैं सम्मान, तो सम्मान के लिए तैयार हो कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के बिना, बिना संघर्ष के तो कुछ भी नहीं मिलता। पुरानी सारी हिस्ट्री पढ़ के देख लो, आप लोगों ने संघर्ष किया तो छीन के लिया। अगर मांगते रहोगे ना, मैं चाहता हूं ये कौम मांगने वाली ना बने। सरकार के जितने, सरकार जितने रास्ते लेके आती है, अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया पदोन्नति में आरक्षण वाला, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने क्या कहा कि राज्य सरकार के विवेक पे छोड़ते रहे। राज्य सरकार हमारी देसी है क्या? हमारी सरकारें हैं जो हमारा काम करेगी। राज्य सरकार के उसमें तो पहले भी था, उन्होंने किया तो हम प्रयास करेंगे कि इस बार हम दूसरे लोगों को आरक्षण दें। चिंता मत करना, तुम तैयार हो जाओ, बहुजन समाज के लोग तैयार हो जाओ। हम प्रयास करेंगे कि हम मांगने वाले नहीं, हम देने वाले बनेंगे। इस बार हम देंगे तुम्हें आरक्षण, तुम घबराओ मत। और जब तक गैर बराबरी है, आरक्षण की तरफ आंख भी मत उठाना। ये जवान अब पहले उठाई तुमने, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को सबके वोट चाहिए, वो तुम्हारी बातें सुनते रहे। अब दो जवाब, अब तो आरक्षण के खिलाफ जो बिरादरी आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाएगी, मैं बिल्कुल मन से कह रहा हूं, उसका सामाजिक बहिष्कार कर देंगे। उसके व्यक्ति को, उस बिरादरी के व्यक्ति को ना मान देंगे, ना सम्मान देंगे, ना धन देंगे, ना मतदान देंगे। समझ रहे हो? उनकी जो लोग आज के बाद आरक्षण से लेकर एसटी का विरोध करेंगे ना, उनको ना मान देंगे, ना सम्मान देंगे, ना दान देंगे और ना मतदान देंगे। साहब काशीराम ने एक बात कही थी, कान खोल के सुन लो सब लोग, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएमपीएम। तो तैयारी करो, हम सीएम भी बनाएंगे, पीएम भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें जागरूक रहने की देर है। सब लोग कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये कौम बिक जाती है। क्या बिकने वाले हैं हम लोग? क्या हमें कोई खरीद सकता है? वो नोट बनाया गया, अब पीछे वाले नहीं बोल रहे, मुझे लग रहा बिकने वाले लोग भी हैं। अब दोबारा से बताओ, क्या बिकने वाले हम लोग? क्या कोई हमें खरीद सकता है? क्या वो नोट बना है? ना वो बना ना बनेगा, क्योंकि ये ईमानदार को मैं मेहनत करती है, अपनी कमाई का खाती है, लूट के नहीं खाती किसी को, ना किसी को चोरी करके खाती है। लेकिन मुझे याद रहे कि अत्याचार की और सब चीजों की एक सीमा होती है, और जब सीमा से बाहर हो जाता है ना कोई मामला, फिर आवाम जागती है, और जब आवाम जागती है तो फिर बदलाव होते हैं। अब मेरे हिसाब से बाबा साहब का सपना पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने बहुत पहले कहा कि 21वीं सदी हमारी है। कौन सी सदी? 21वीं। तो ये सदी जो है ना हमारी है, और से इस सदी में आने के लिए, इस सदी में शासक बनने के लिए, इस सदी में हुक्मरान बनने के लिए आप लोगों को एक होना पड़ेगा और अपनी एकता की ताकत को बार बार प्रदर्शन करना पड़ेगा। और जितने भाइयां हैं, हम तैयारी कर रहे हैं दिसंबर में दिल्ली को नीला करने की तैयारी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? एक दिन काम छोड़ दोगे? पक्का? मैं हाथ देख रहा हूं कौन कौन नहीं उठा रहा है।
देखो भाई नहीं उठा रहा, बस देख लो अब उठा रहा। बहुत गिद्ध वाली जगह रखता हूँ मैं, दिल्ली को नीली कर। एक दिन के लिए काम छोड़ देना संदीप भाई, और एक बता देगा हिमांशु सुजीत, उस दिन दिल्ली नीला करेंगे। ये चाहता हूँ कि एक बार सरकार और प्रशासन ये कहते कि दिल्ली में बीमार में रैली नहीं करेगी, हमसे नहीं सहन होती बीमार में। यहाँ एक बार ऐसा मूवमेंट बना देवे क्या? पक्का? अच्छा कुछ साथियों के नाम ले रहा हूं, कुछ साथी मेरे साथ भी आए थे, उनके नाम भी लूंगा और यहाँ के नाम भी लूंगा। जावेद खान है देहरादून से, बड़े छात्र नेता है और बहुजन मूवमेंट के बड़े जिम्मेदार साथी हैं। हिजाब खान है, संजय माथुर है, शशि भूषण जी हैं, सुबोध भाई हैं, छोटे भाई पंकज है हमारे गाजियाबाद से, प्यारे लाल जाटव जी के बेटे गुलजार है। तो हम पूरी बहुजन समाज को एक कर रहे हैं, और कल भरोसा रखिए कल आपके साथ एक और ताकत गुज्जर समाज बड़ी मजबूती से जुड़ेगा मेरठ में। कल उनका प्रोग्राम है, उन लोगों ने प्रोग्राम लिया, उन्हें कहा कि भाई हमने बहुत धक्के खा लिए, अब हमें समझ आ गया हमारा भाई कौन है, तो हम प्रयास करेंगे बहुजन समाज के लोग एक हो जाएं। तो कल एक बड़ी मीटिंग उनके बड़े जिम्मेदार लोगों के साथ मेरठ में, तो हम तय कर रहे हैं कि बिल्कुल ईमानदार से काम करें, और जो ईमानदारी से काम करते हैं भगवान वाल्मीकि का हाथ उनके ऊपर हमेशा रहता है। वरना मैं इतना मजबूत नहीं था कि इनके सामने 16 मिनट टिक जाता, लेकिन उनका आशीर्वाद रहा। मैं क्योंकि मैं जेल जाने से पहले गया था वाल्मीकि तीर्थ और अरदास करके आया था कि दाता एक बार जिंदगी दे देना कि वहां से सही सलामत बाहर आके काम कर लूं अपने लोगों के बीच, और वो मौका दिया। मैं प्रयास करूंगा कि इस मौके को चूकूं ना, किसी भी सूरत में ना चूकूं, और इस बार वो ताकत खड़ी करके जाऊं मरने से पहले कि इस कौम के टुकड़े ना हो सके। क्या टुकड़े होने दोगे क्या? तो कुछ नाम पढ़ रहा हूं, संदीप वाल्मीकि, हरपाल सिंह वाल्मीकि, सेंसर वाल्मीकि, आकाश वाल्मीकि, सुमित वाल्मीकि, अमित वाल्मीकि, टिंकू जाटव, विक्की प्रधान, बिट्टू वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि, रोहित गहलोत, ये बड़े जिम्मेदार साथी हैं। इनके साथ अगली बार आऊंगा जब, तो इस लाइन में सैकड़ों नाम होने चाहिए। इनकी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ क्या मिशन चलाना, इनकी जिम्मेदारी है सिर्फ इनकी नहीं। देखो ये बड़ा सीधा मामला है मिशन का, जो कौम जैसा नेता चाहती है उसे वैसे नेता मिलता है। अगर कौम के लोग हराम खोर है, काम चोर है, काम नहीं करना चाहते, तो हराम खोर नेता काम चोर नेता मिलेगा, क्योंकि ना वो करेगा ना ये करेंगे। अब जो काम कर रहे हैं वो ईमानदार लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, चप्पल घिसने वाले लोग हैं और गरीब लोग हैं, तो वो तुम में खुद भी काम करेंगे और तुमसे भी काम करवाएंगे। जो बड़े बुजुर्ग बैठे वो आशीर्वाद दे के रखे, जो युवा बैठे वो घर ना रहे, एक आदमी को जोड़ने काम करे। मैं दिखाता हूँ किस तरह से सब बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होता। हम माँ का आशीर्वाद तो सबसे पहले रहता है, एक बार हाथ उठा के बताओ आशीर्वाद है नहीं बच्चे पे। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि तुम्हारा खून कट जाएगा, झुकना पसंद नहीं करेगा किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में। कौम के नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा, कौम के नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी कितना बवाल आ जाए। और फांसी आज चढ़ा दो, चैलेंज कर रहा हूं, आज चढ़ा दो फांसी, किसी भी सूरत में नहीं झुकूंगा। लेकिन अपने लोगों को इस बार टूट नहीं दूंगा, एक करके रहूंगा, किसी की छोटी पकड़ के इकट्ठा कर लूंगा, किसी के पैर पकड़ लूंगा, लेकिन जाने नहीं दूंगा, अलग नहीं जान दूंगा। और मेरा भाई खड़ा, इसने वादा किया मुझसे कि जब तक चंद्रशेखर भाई नहीं कहेंगे कि चुनाव नहीं लड़ना, नहीं लड़ूंगा। अरे मैं तो चाहता हूं कि तू मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश का, मैं चाहता हूं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने तू, मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि ये ईमानदार आदमी है, डट के अपनी बात कहता है। मैं सुन रहा था, मैं भरोसा दिलाता हूं कि तुम भैया थोड़ा सा समय अभी कौम को जगाने में, मिशन को, लोगों को मिशन में लाने में, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुझे और मुझे मिलकर पूरी करनी है, तो थोड़ा सा मजबूत हो जा और इनके साथ में खड़ा हो जा। ये नौजवान साथी इनके हाथ पकड़ ले जरा, एक बार हाथ पकड़ के एहसास करा दो अपनी ताकत का सब लोग। ये हाथ एक दूसरे के मजबूती से पकड़ लो, तो मैं लिख के देता हूं, पहले भी कहा था आखिरी बार कह रहा हूं कि 2020 तो गिफ्ट में कर दूंगा तुम्हें, गिफ्ट में, पहला गिफ्ट 2020 ही होगा तुम्हारे लिए।